फिल्म का रीमेक क्यों बनाया जा रहा है? त्रिदेव फिल्म को बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में शामिल क्यों किया जाता है? क्या त्रिदेव की वजह से केजीएफ हिट हुई है? और अक्षय कुमार ने सन्नी देओल से ऐसा क्या कहा जिससे सभी फैंस आश्चर्यचकित हो गए? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, त्रिदेव 1989 की एक एक्शन रोमांचकारी फिल्म है, जिस फिल्म में अहम भूमिका में सन्नी देओल, माधुरी दीक्षित, नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, संगीता बिजलानी और सोनम ने काम किया था। दोस्तों, जब गुलशन कुमार की बायोपिक का काम शुरू हुआ तब एक इंटरव्यू के दौरान गुलशन कुमार के बेटे ने कहा कि त्रिदेव का रीमेक जरूर बनाना चाहिए, लेकिन इसके रीमेक में सन्नी देओल का होना बेहद जरूरी है, उनके बिना ये रीमेक एक तरह से अधूरा रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों, कहानी के मुताबिक एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर, एक डाकू और एक पुलिस कमिश्नर के बेटे को तस्कर एक झूठे आरोप में फंसा देता है, जिसके बाद ये तीनों उससे बदला लेने की ठान लेते हैं और जिसके बाद उसको सजा दिला के ये तीनों इंसाफ हासिल करते हैं। दोस्तों, इस फिल्म का एक गाना केजीएफ में रिक्रिएट किया गया था, गली गली में फिरता है तू क्यों बन के बन जा रहा। और दोस्तों, जब से त्रिदेव के इस गाने को केजीएफ में रिक्रिएट किया गया है, तब से त्रिदेव के रीमेक की चर्चाएं बॉलीवुड में और बढ़ गई है और मेकर्स चाहते हैं कि सन्नी देओल के साथ इस फिल्म में अक्षय कुमार और अजय देवगन को भी कास्ट किया जाए। और वहीं विलेन की भूमिका के लिए साउथ के सुपरस्टार विक्रम से भी बात की जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि त्रिदेव को बॉलीवुड की कल्ट फिल्म क्यों माना जाता है। दरअसल त्रिदेव जो फिल्म है, इसकी पटकथा, इसकी कहानी और इसके गाने सभी सुपर हिट रहे थे, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की कहानी आज के युग को रिलेट करती है। वैसे भी भारत में आतंकवाद का दौर फिर से शुरू हो गया है, तो मेकर्स चाहते हैं कि इस फिल्म को या तो रीमेक किया जाए या फिर फिल्म की तर्ज पर एक नई कहानी का निर्माण किया जाए। और वहीं अक्षय कुमार ने सन्नी देओल से कहा कि उनके मुकाबले में इंडस्ट्री में आज कोई भी उनसे बड़ा एक्शन हीरो नहीं है। आप चाहे तो उनकी घातक घायल गदर फिल्में उठाकर देख सकते हैं और आपको इस बात पर भरोसा भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर त्रिदेव का रीमेक बनाया जाएगा तो क्या ये फिल्म त्रिदेव की तरह ही सुपर हिट हो पाएगी या नहीं? अपना जवाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।